यह स्टोरी एक किंग और एक बूढ़ी औरत की है। इसमें किंग बहुत अय्याश दिखाया हुआ है, जो हमेशा लड़कियों में रहता है और नशे करता रहता है, पर उसे आज तक कोई क्वीन नहीं मिली जिसे वो दिल से एक्सेप्ट कर सके और उससे शादी कर सके। और उसी किंग के महल के पास एक गांव में दो बुढ़िया रहती थी, जहां वो दोनों बहनें रहती थी। वो दोनों अकेले रहती थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी और दोनों भी बूढ़ी थी और ज़्यादा शहर से बाहर भी नहीं जाती थी। इसका ये मतलब है कि उन्होंने वैसे ही अकेले मर जाना है, पर उनके हिसाब से उनकी आवाज़ बहुत ही यंग लड़की के तरह थी। वो दिखने में बूढ़ी थी पर उनकी आवाज़ बहुत ही कोमल और लड़की के जैसी थी। एक दिन जब वो बूढ़ी औरत गाना गा रही थी, तब वो गाना राजा सुन लेता है और उसे वो आवाज़ बहुत ही पसंद आती है और उस आवाज़ को फॉलो करते करते राजा उनके घर तक पहुंच जाता है। वो बूढ़ी औरत गाना गाकर घर में चली जाती है और किंग वहां पे आ जाता है। रहता है, दोनों बहनें रहती है, एक का नाम डोरा रहता है और दूसरी का नाम ईमा रहता है। डोरा चालाक है और ईमा उसके मुताबिक सीधी और डरपोक किस्म की दिखाई है। जब डोरा देखती है कि किंग उसके दरवाजे पर है, तब उसे लगता है कि शायद उनकी किस्मत बदलने वाली है और किंग को लगता है कि वो एक लड़की है जो शर्मा के अंदर छुपी हुई है। इससे किंग के और भी अरमान बढ़ने लगते हैं। वैसे भी डोरा और ईमा दोनों ने भी अपनी लाइफ पूरी अकेले ही बिताई हुई रहती है, इसलिए इसी वजह से उनमें एक उम्मीद जगती है कि उनकी शायद लाइफ बदल जाएगी। इसी वजह से वो किंग को कहती है कि आप एक हफ्ते बाद आइए, मैं आपको बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। जो कि किंग ये बात नहीं जानता था कि वो दोनों औरतें बूढ़ी हो चुकी है और उनकी स्किन भी लटक चुकी है, फिर भी वो डोरा और ईमा दोनों भी ये कोशिश करते हैं कि उनकी फिंगर्स एक जवान लड़की की तरह दिखे। किंग को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए डोरा अपनी फिंगर्स पर बहुत सारे हर्ब्स लगाती है, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। वह देखकर डोरा बहुत रोती है। वही ईमा अपनी फिंगर मुंह में रखती है बहुत दिनों से, तो उसकी फिंगर डोरा की फिंगर से ज़्यादा बेटर लगती है, तो डोरा वही फिंगर किंग को दिखाती है। फिंगर देख के किंग को कंट्रोल नहीं होता और वो उन्हें पूरी तरह से देखना चाहता है, पर डोरा और ईमा दोनों को पता था कि अगर इस हरकत के बारे में किंग को पता चला और उनकी असलियत सामने आई तो वो उसे सूली पर लटका भी सकता है। तो इसी बात को देखते हुए वह किंग को एक शर्त रखती है और कहती है कि जब भी मैं आपके महल में आऊँगी, तब वो आधी रात को ही आऊँगी और पूरी महल में लाइट्स ऑफ होने चाहिए। किंग भी डोरा को देखने के लिए बेताब था, इसलिए वो इस शर्त को एग्री कर जाता है। शर्त के मुताबिक ईमा डोरा की पूरी बॉडी को एक ग्लू के मदद से स्ट्रेच करती है, जैसे कि किसी यंग लड़की की बॉडी लगे। और किंग का एक आदमी आधी रात को डोरा को लेने आता है और सभी लाइट ऑफ कर देता है किंगडम के। पर सुबह किंग को कुछ गड़बड़ लगती है और वो देखता है लाइट्स ऑन करके, तब वो देखता है कि बेड पर एक बूढ़ी औरत है। उसे समझ में आ जाता है कि पूरी रात उसने एक बूढ़ी औरत के साथ बिताया है और यह देखकर वो बौखला जाता है और उनकी साथियों को बताकर वो डोरा को खिड़की से फेंक देता है। पर जंगल में डोरा बच जाती है और उसे देखकर एक विच वहाँ पर मैजिक करती है और डोरा एक बूढ़ी औरत से एक जवान खूबसूरत लड़की बन जाती है, जिसके बहुत ही खूबसूरत लंबे बाल होते हैं और चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाया हुआ है। तो उसी जंगल में दूसरे दिन राजा आता है शिकार करने और वो डोरा को देखता है। देखते ही उसे वो बहुत पसंद आती है और वो उसे महल में ले आता है और अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है, जो कि डोरा को भी नहीं पता था कि वो एक बूढ़ी औरत से एक जवान लड़की कैसे बनी। फिर भी उसे उसकी बहन याद आती है, जो जिसका नाम ईमा होता है, और वो उसे अपनी शादी में बुलाना चाहती है। ईमा को कुछ भी नहीं पता होता है कि उसकी बहन अब जवान लड़की बन चुकी है। डोरा एक कॉस्टली ड्रेस अपनी बहन के लिए भिजवाती है और वही ड्रेस
ईमा पहनकर शादी में आती है। यहाँ डोरा ईमा को सारी स्टोरी बता देती है। अब ईमा को भी पता करना होता है कि वो जवान कैसे बनी, तो डोरा मजाक मजाक में ईमा को बताती है कि उसकी पूरी स्किन निकलवा ली। तो ईमा इस बात को सच मान लेती है और वो भी एक लोहार के पास चली जाती है। वो लोहार से कहती है कि मैं तुम्हें कीमती डायमंड और अपना कॉस्टली ड्रेस का पार्ट दूंगी, सिर्फ तुम मेरी स्किन निकलवा दो। यहाँ लोहार भी पूरा पागल दिखाया हुआ है, वो भी ईमा जो बोलती है वैसा ही करता है, पूरी स्किन निकालता है। बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है ये। उसके बाद ईमा बहुत ही जख्मी हालत में वापस आती है, पर उसने तो जीना नहीं है, वो मरी जाती है। यहाँ ईमा की डेथ हो जाती है और वहाँ डोरा भी, उसका भी मैजिक ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो भी धीरे धीरे बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाती है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो पूरी तरह से बूढ़ी होने ही वाली है, तब वो किंग से दूर भाग के चली जाती है और वो पूरी तरह से एक टाइम पे बूढ़ी हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय।